आइए देखते हैं आकांक्ष जिला फतेहपुर को लेकर एक खास रिपोर्ट। बोलो हमें किससे कम, तोड़े सभी भरम, हमें किससे कम, बोलो हमें किससे कम। पहले इस स्कूल का नामांकन ना के बराबर था, यानी 10-15 बच्चे ही मुश्किल से थे, लेकिन अब विद्यालय में 275 बच्चे नामांकित हैं और 30 बच्चे हमारे बाल वाटिका के हैं, जो कि पोयम, राइम्स, एक्टिविटीज कराते हैं, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम सिखाते हैं, तो ताकि वो जब क्लास 1 में आए तो उनका थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। नीति आयोग के तहत बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें टाइल्स लगा है और वाटर प्यूरिफाई यहाँ पर हो गया है, समर सेबल लग चुका है स्कूल में, पूरे स्कूल में लाइट है, इन्वर्टर है, प्रोजेक्टर मिला है इसके तहत हम लोगों को, तो इससे बहुत अच्छा आकर्षण आ गया है, स्कूल का एक लुक आ गया है। तेलियानी ब्लॉक में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऑपरेशन कायाकल्प में भी काम हुआ है, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाओं पे कार्य हो रहा है और स्मार्ट क्लासेस भी चल रही हैं, बाल संसद और अनेक गतिविधियां निरंतर आयोजित की जा रही हैं और हमारे विभाग के सभी बच्चे बहुत ही दक्ष हो रहे हैं, कुशल हो रहे हैं, निरंतर सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 75 जनपद के नाम। आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजीबाद, बुलंदशहर, ज्योतिपुर, फिल्मनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, हाथरस, ईटानगर, शाहजहांपुर, लक्ष्मीपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, इटावा, कतरौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ। तरफ से और नीति आयोग के निर्देशन में एक एडाप्टिव लर्निंग हेतु 10 करोड़ के आसपास की धनराशि मिली है, जिसको भी हम लोग अभी खर्च कर रहे हैं, जिससे कि क्वालिटेटिव आउटकम्स लर्निंग के बढ़ेंगे।